Hi traders, this is Guru here. So once again, welcome back to our channel CPR Price Action Trading CPR by Guru. आज इस सेशन में आपके साथ एक टूल को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ. सो जिस टूल की मदद से आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि मान चलिए, सपोज करिए कि आपका ये एक बॉटम है. इस बॉटम से मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा रिकवर किया और उस रिकवर के बाद आप देखिए एक हाई बनाया. हाई के बाद एक छोटा सा, मतलब कि आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट बुकिंग आई. अभी आप ये ट्रेंड को कैसे कंक्लूड करेंगे कि ये ट्रेंड कौन से लेवल से दोबारा नीचे आके रिट्रेस करके ऊपर की साइड फिर से वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है. सेम एज इट इज़, अगर मान के चलिए मार्केट एक लेवल से नीचे गिर रहा है और एक लेवल से उसने मान के चलिए थोड़ा रिवर्स किया, तो फिर वो कौन से ऐसे लेवल से मार्केट फिर से दोबारा उस रिजेक्शन लेके उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है. तो ये चीज़ आज हम इस टूल में समझेंगे. इसमें हम तीन इंडिकेटर का यूज़ करेंगे. पहली चीज़ है कि हम लोग यूज़ करेंगे CPR. दूसरी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे EMA. तो EMA में टोटल हमारी तीन EMA रहेंगी. एक आपकी 20 रहेगी, 50 रहेगी और 200 रहेगी. ठीक है जी. तीसरा इंडिकेटर है हमारा फिब रिट्रेसमेंट. ठीक है, तो ये तीन टूल हम यूज़ करेंगे. तो आज मैं आपको यही टूल को सही तरीके से, इन तीनों टूल को आप यूज़ करके कैसे अपनी ट्रेडिंग को और सक्सेसफुल बना सकते हैं. चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग CPR के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मूविंग एवरेज के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका. आज मैं जो मेन टूल के ऊपर बात करने वाला हूँ, फिब रिट्रेसमेंट. अभी मेन चीज़ यही है कि हम लोग कैसे इसको यूज़ कैसे करना है. फिब रिट्रेसमेंट में बेसिकली मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पहले. सो जो मैं यूज़ करता हूँ, बेसिकली फिब रिट्रेसमेंट है कुछ नहीं है, एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लेवल्स है जो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं. ठीक है, अभी इसको लगाने का भी तरीका है कि काफ़ी लोगों को इसको लगाना कैसे चार्ट के ऊपर ये ही नहीं पता होता. मैं आपको वो पहले चीज़ समझाता, फिर इसको एक्चुअल यूज़ कैसे करना वो चीज़ समझेंगे. देखिए, हमेशा फिब को जब आपको लगाना है, मान के चलिए अप ट्रेंड है, सपोज़ करिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में हमेशा फिब नीचे से लगाएंगे, यानी कि नीचे के लो से ऊपर के हाई तक के लिए लगाएंगे. जैसे कि अगर मैं लाइव लगा के दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मान चलिए एक स्विंग लो है, हम क्या करेंगे इस स्विंग लो से इस हाई तक के लिए लगाएंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है. अप ट्रेंड में हमेशा आप नीचे से लगाएंगे. सेम एज इट इज़, मान के चलिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऊपर से नीचे लगाएंगे. जैसे कि मान चलिए ये एक हाई है, ये हाई है सपोज करिए बैंक निफ्टी का, तो ये कहीं ना कहीं ये लो है. ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए. तो इस केस में हम, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल, तो हम इस केस में ऊपर से लगाएंगे कि मान के चलिए मार्केट अभी आप देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये देखिए 50% से रिजेक्शन. तो ये चीज़ के लिए यूज़ होता है बेसिकली. अभी इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा डीप में कैसे यूज़ करना, मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ. हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि फिब को आपको अगर आप ट्रेंड में आप नीचे से लगाएंगे, अगर डाउन ट्रेंड में आप ऊपर से लगाएंगे. तो इसमें बेसिकली मैं चार लेवल्स को, वैसे इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, मैं लेकिन चार लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ. एक 0%, 50% एंड 61% एंड 100%. जो 50% एंड 61% है, इसको मैं गोल्डन जोन बोलता हूँ, गोल्डन रेशियो बोल दीजिए, गोल्डन जोन बोल दीजिए. रीज़न क्या है, इसमें सिंपल सी चीज़ है. मान के चलिए एक, ये एक मार्केट इस लेवल से चला और इसने एक हाई लगाया कहीं ना कहीं ये वाला. अभी मार्केट ने इस हाई से रिजेक्शन लिया, तो ये किस, कौन से ऐसे पॉइंट से मार्केट रिवर्स कर सकता है? तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट अक्सर देखा गया है कि 100 में से 99% अगर आपका ट्रेंड जेन्युइन है, जैसे मान चलिए एक अप ट्रेंड है, वाकई जेन्युइन बाइंग हो रही है, तो डेफिनेटली वो अपने गोल्डन जोन से मार्केट रिट्रेस करके दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा. वो भले ही डाउन ट्रेंड है, वो भले ही अप ट्रेंड है. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि जिसमें फिब रिट्रेसमेंट ने कितने अच्छे से काम किया और उसके ऊपर आप एंट्रीज बना सकते हैं. चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. आप सेम इसमें ये चार लेवल्स की सेटिंग कर लीजिए. मैं आपको पहले इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ. इसमें सिर्फ मैं चार लेवल्स को यूज़ करता हूँ, 0%, 0.5 एंड 0.618 एंड 1%. ये चार लेवल्स को यूज़ करता हूँ और मैं इन चार लेवल्स के अलावा कोई लेवल यूज़ नहीं करता. अभी सबसे पहले आप जाइए गूगल में, आप यहाँ पर गूगल सर्च करिए और यहाँ पर आप सर्च करना है PDH प्लस R1 ब्रेकआउट. इसको एक सर्च कर लीजिए गूगल में, तो आपके सामने कुछ स्कैनर खुल के आ जाएंगे. तो आप ये एक स्कैनर खोल लीजिए, कोई भी एक खोल लीजिए, जैसे ये हमने ये खोला. अभी देखिए, हमें यहाँ पे चार ऐसे स्टॉक मिले जो अपने कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे. तो हम जैसे कि कॉल इंडिया हमने फाइंड किया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉल इंडिया का चार्ट खोलते हैं. ठीक है, कॉल इंडिया का हमने, सॉरी, कॉल इंडिया ये रहा NSE के चार्ट. ठीक है, तो ये हमने कॉल इंडिया का चार्ट देखे. देखिए, अभी इसमें आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए. पहली चीज़ इसमें क्या है कि आपको मैं अभी कंडीशंस बता रहा हूँ. पहली चीज़ क्या है कि आपका कोई भी चार्ट है, उसमें आपका जो कैंडल्स हैं,
यानी कि ये जो कैंडल्स है ये EMA के ऊपर ट्रेड करने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन CPR के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप देखिए इस स्टॉक में दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं, बल्कि आपकी कैंडल CPR के ऊपर भी ट्रेड कर रही है प्लस मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो मतलब कि ये जो स्टॉक है आपके लिए परफेक्ट है बुलिश ट्रेड लेने के लिए। अभी इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा एक बार ये दोनों इंडिकेटर बंद करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखिए सुबह क्या किया, कोल इंडिया ने ये लो था तो मैंने क्या किया, लो को मार कर लिया सेम एज इट इज। उसके बाद सुबह सुबह जब देखा जाए तो 10:30 के अराउंड कोल इंडिया ने ये हाई लगाया, ठीक है। अभी देखिए कोल इंडिया नीचे से ऊपर जा रहा, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते कि अप ट्रेंड है। तो हम क्या करेंगे, इस लो से हाई तक का फिब लगाएंगे, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है ये चार्ट तो फॉर्म नहीं होता, हम सिर्फ इतना टाइम ले रहे हैं यानी कि 9:15 से 9:35 के टाइम का ले रहे हैं। अभी आप देखिए मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ, किस जोन से रिवर्स हुआ। देखो हमेशा जो भी स्टॉक बुलिश होगा वो बेसिकली आपका जो गोल्डन जोन है, जो गोल्डन रेशियो है, अगर वो वाकई ही ट्रेंड बुलिश है तो वहाँ से डेफिनेटली रिवर्स करेगा, ठीक है। तो इस केस में जैसे ही इसने ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, आप यहाँ पे SL लगाइए और आप टारगेट के लिए, पहला टारगेट होता है हमेशा डे हाई, तो डे हाई का आपको ईजिली टारगेट मिला है, ठीक है। अभी चलो ये हो गया पहली, ठीक है, पहली चीज़ आप समझ गए। अभी एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ। अभी ये तो हो गया पहला ट्रेड का। अभी मान के चलो आपको आगे के लिए डिफाइन करना, तो आगे के लिए आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस स्विंग लो से फिर एक हाई लगाया। तो अभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लगाइए, क्योंकि ये टॉप से रिवर्स करना शुरू कर दिया, तो हम क्या करेंगे इस स्विंग लो से स्विंग हाई लगाएंगे। आप देखिए अभी फिर से कॉल इंडिया ने कहाँ से रिवर्सल लिया, 50% गोल्डन रेशियो। मतलब कि ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा तरीका इसको यूज़ करने का, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सही आपको यूज़ करना आ गया ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो आप इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। अभी आप देखिए अभी हमारा इंडिकेटर भी देख लीजिए, मूविंग एवरेज भी देख लीजिए, मूविंग एवरेज के भी ऊपर था और आपका देखिए 50 के ऊपर, मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन। आप देखिए यहाँ पे फिबो का भी लेवल आ रहा है प्लस आपका 50 भी आ रहा है और 50 से देखिए बाउंस कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इजीली इस चीज़ स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे प्रॉफिटेबल। अभी चलिए अपन नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, जैसे कि श्री सीमेंट देखते हैं अपन। तो श्री सीमेंट का मैंने चार्ट लगा लिया। अभी आप इसमें भी देखिए क्या हुआ, पहली चीज़ क्या कि CPR के ऊपर चल रहा है प्लस मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये एक अच्छा स्टॉक है, आप इसमें आइडेंटिफाई ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इस पहली कैंडल का हाई निकाला आप इजीली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी मान के चलिए हमें पता चला कि ये एक स्विंग लो है, ये एक हाई है, तो हम क्या करते हैं फिबो लगाते हैं, क्योंकि हम सपोज करके आप बाद में एंटर किए हो। अब देखो अभी मैं ये CPR भी बंद कर रहा हूँ, EMA भी बंद कर रहा हूँ। आप देखिए कहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अपने गोल्डन जोन से सपोर्ट लिया इस स्टॉक ने, तो ये एक अच्छा है। ये चीज़ सिर्फ आपकी ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम करती है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक कैसे फाइंड करना, तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल सा स्ट्रेटजी बताया कि आप गूगल में जाइए, सर्च करिए PDH ब्रेकआउट या फिर PDH एंड R1 ब्रेकआउट, आप सर्च करेंगे आपको स्कैनर मिल जाएंगे, तो उसमें आपके पास वो स्टॉक्स आएंगे जो अपने दिन के हाई को, पिछले दिन के हाई को तोड़ चुके हैं, क्योंकि मोमेंटम आपका उन्हीं स्टॉक्स में, वही अप ट्रेंड में होंगे। सेम एज इट इज आपको बेरिश स्टॉक फाइंड करना, तो आपके करिए प्री जो अपने स्टॉक पिछले दिन के लो के नीचे रहेंगे, यानी कि आप वहाँ पे सर्च करिएगा PDL लो ब्रेकडाउन, ठीक है। तो आप ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो आपको ईजिली स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अभी मान के चलिए आपने सपोज करिए 10 के बाद आइडेंटिफाई किया कि ये स्टॉक है, ऊपर से रिजेक्शन ले, तो आप नीचे से फिब लगाइए। तो आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है कि जब आपका मार्केट 50 और 60 के बैंड के पास आए और बैंड पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे, तो उस टाइम आप बुलिश एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज भी फेवर में है प्लस आपका, अब देखिए कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 50 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा फिब के लेवल भी आ रहा है, और यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, आप ऐसा लगाइए इधर, सिंपल। अब मैं आपको एक दो और एग्जांपल दिखा दूँ, जैसे कि हम ग्रासिम ले लेते हैं सपोज करिए, तो ग्रासिम का चार्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए ये स्टॉक को भी देख लीजिए कहाँ से मार्केट घुमा, तो बिल्कुल सेम। अब देखिए CPR के ऊपर है, मूविंग एवरेज तो ऊपर है, तो मतलब कि स्टॉक कहीं ना कहीं बुलिश है। तो इस केस में आप जैसे ही आपका डे हाई निकला आप एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लेट एंट्री करें तो उस केस में हम कैसे करेंगे, सेम वही फिबो लगाइए, ठीक है। इस केस में हम फिबो लगाते हैं, तो देखिए ये कहाँ से घूमा है, देख लीजिए आप, देख लीजिए ये हाई था, तो देखिए 50% से कितना इसने रिस्पेक्ट किया है। तो मेन चीज़ है कि सही तरीके से आप अगर ये चीज़ों को अप्लाई करना सीखे तो आप इजीली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ये बेसिकली जो फिब रिट्रेसमेंट है ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, मान के चलिए एक ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, वो मार्केट अपने
अप ट्रेंड से जब मान के चलिए किसी कारणवश प्रॉफिट बुकिंग या कोई किसी कारण की वजह से फॉल आता है, तो वो फॉल कहाँ तक आ सकता है और वो फॉल किस लेवल से बाउंस कर सकता है, मतलब कि दोबारा वो किस लेवल से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। तो उसके लिए सिंपल है गोल्डन रेशियो, मतलब कि ये जो 50% एंड 61% लेवल है ये एक जोन होता है। कई बार देखा है कि मार्केट 50% से रिवर्स कर जाता है, कई बार देखते हैं कि मार्केट बीच में से यानी 50 एंड 60 के बैंड के बीच में से रिवर्स करता है, कई बार देखा है कि मार्केट 61% के लेवल से रिवर्स करता है। तो ये इसलिए ये पूरे जोन को मैं गोल्डन जोन बोलता हूँ। तो ये जो बेसिकली जो जोन है ये रिवर्सल का काम करता है, बुलिश रिवर्सल प्लस बेरिश रिवर्सल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके ईजिली मार्केट में अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते इसको आप इंडेक्स में किसी भी चीज़ में ये स्ट्रेटजी को आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।